हेलो स्टूडेंट्स, वीआईपी एडुसर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मैथ एजुकेटर विपुल। और अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और आज मैं आप लोगों के लेके आया हूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पे बेस्ड हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 7, 2 बाई एक्स प्लस 3 बाई वाई इक्वल टू 17। ये दो इक्वेशंस यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। हमें करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सीखा था। अगर आपको याद नहीं है या फिर आपने नहीं देखा है तो हमारे पिछले वीडियो जो भी हैं ये क्वेश्चन इन टू वेरिएबल्स पे, उसका उन सभी वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे आई बटन में मिल जाएगा, जा करके आप देख सकते हैं। और एक बात और, हम लोग अब तक ऑर्डिनल्स चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और लीनियर इक्वेशंस में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स पे मैंने सेशन ले चुका हूँ। और आज हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने यहाँ पे आए हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। जब हम लोग इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया करते थे तो करते क्या थे, 1 बाई एक्स को हम लेट कर लेते थे समथिंग एम एन ऐसे करके। यहाँ भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये क्या है, हमारा दूसरा इक्वेशन है। लिखेंगे क्या, लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू एम एंड 1 बाई वाई इक्वल टू एन। ठीक है, जब ऐसा लिखेंगे तो इक्वेशन जो है वो कैसा हो जाएगा, इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। 1 बाई एक्स मीन्स एम, तो एम प्लस 1 बाई वाई मीन्स एन, एम प्लस एन इक्वल टू 7। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। और हम लोगों ने क्या सीखा था कल, हम लोगों ने ये सीखा था कल कि जब कभी भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो भी टर्म्स है, कॉन्स्टेंट टर्म, वेरिएबल, सभी के सभी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए। तो हम लोग इसे भी ऐसा ही कर लेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसे, इसे लिखेंगे m प्लस n माइनस 7 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ओके, सिमिलरली हम लोग इक्वेशन 2 को भी लिखेंगे। इक्वेशन 2 को लिखेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा 2m प्लस 3n इक्वल टू 17। और इसे जब लिखेंगे हम लोग अरेंज करके क्या मिलेगा, 2m प्लस 3n माइनस 17 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन 3 आ चुका है, इक्वेशन 4 आ चुका है, मतलब हमारा जो काम था वो काम यहाँ पे हो चुका है। अब हम लोग किससे फोकस करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 पे ही सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे। इन दोनों इक्वेशन पे हमें फोकस करना है और इसी के हेल्प से हम लोग आगे से सॉल्व करेंगे। तो आइए लिख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है मेरा, जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स होते थे उससे हम लिखते थे पहले, जैसे कि जो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। जो सॉल्व करने के लिए कैसे लिखते थे, एक्स वाई वन, क्यों, क्योंकि वहां पे एक्स और वाई क्या था, वेरिएबल्स था और वन कॉन्स्टेंट था। यहाँ पे क्या, यहाँ पे एम है और एन है और फिर वन आएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे एम एन और फिर वन लिखेंगे। तो जब आपको याद हुआ कल मैंने बताया था, जब हम लोग फर्स्ट वेरिएबल एक्स के डिनोमिनेटर में या फिर एक्स के लिए कुछ लिखते थे तो हम लोग एक्स को हाइड करके बाकी जो बचे हुए उन्हें लिखते थे। यहाँ हम लोग ऐसे ही करेंगे, यहाँ जब लिखेंगे एम तो क्या हो जाएगा, एम वाई टर्म को हाइड कर देंगे। जब एम वाई टर्म मेरा हाइड हो जाएगा क्या मिलेगा, हमें बचेगा एन और कॉन्स्टेंट। एन का कॉफिशियंट क्या है, पहले इक्वेशन 3 में 1 है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1, इसमें क्या है, इसमें 3 लिखेंगे 3, फिर इसमें है -7 तो -7, इसमें क्या है +3 तो यहाँ लिखेंगे हम लोग +3। सिमिलरली जब n का लिखेंगे तो n को हाइड कर देंगे, जब n हाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, हमारे बचेगा m और कॉन्स्टेंट, जिसमें से हम लोग -7 और 3 लिख चुके हैं, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म को हम लोग, सॉरी वन मिनट, वन थ्री माइनस सेवन, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था -17। ओके,
हम लोग क्या लिखे यहाँ पे -7 और -17 लिख चुके हैं, मतलब कॉन्स्टेंट हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। अब हमें क्या लिखना होगा, अब हमारे पास बच गया ये एम वाला टर्म, तो एम का क्या है 1 और 2, यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 और 2। अब लिख रहे हैं कॉन्स्टेंट के बारे में, तो कॉन्स्टेंट को हम हाइड कर देंगे, बचेगा क्या एम और एन, इसमें से 1 तो लिख चुके हैं मतलब एम वाले को लिख चुके हैं, क्या बच गया एन का टर्म, एन का हो जाएगा 1 और 3, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 1 और 3 बस। आगे तो आपको पता ही कैसे करते हैं, आगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए करते हैं हम लोग, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं लोग एम बाई, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा तो लिखेंगे 1 इंटू -17, फिर क्या आता माइनस आया था, अगर आपको याद होगा तो माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 3 इंटू -7, 3 इंटू -7, फिर लिखते थे लोग एन डिवाइड बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर इन दोनों का तो -7 इंटू -2 -7 इंटू सॉरी 2 है प्लस 2 है, यस प्लस 2 है, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा -17, तो -17 इंटू 1, यहाँ लिख लेंगे 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए 1, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 -2 इंटू 1, 2 इंटू 1, बिल्कुल क्लियर। जैसे हम लोग कल सीखे थे, जैसे कल क्वेश्चन में सेम टू सेम यहाँ भी करना है, कर लिए, आगे सॉल्व करते हैं इसे हम, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम बाई 17 इंटू 1, 17 नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 7 इंटू 3 21 इक्वल टू एन बाई ये हो जाएगा -14, ये हो जाएगा +17 और ये हो जाएगा 1 बाई 3 इंटू 2। ओके आगे सॉल्व करेंगे, ये क्या मिलेगा -17 प्लस 21 हमें मिलेगा 4, फिर क्या मिलेगा एन बाई -14 प्लस 17 3 प्लस 3, क्योंकि 17 बड़ा है, इक्वल टू 1 बाई 3 -2 इक्वल टू 1, यहाँ पे एम इक्वल टू एन समथिंग इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ चुका है। अब हमें करना क्या है, हमें काम करना है एम के वैल्यू को फाइंड आउट करना है और एन के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं हम लोग, आपको पता ही है जो एम टर्म है इसको हम लोग इस कॉन्स्टेंट टर्म के साथ इक्वल करेंगे, तो क्या मिलेगा एम बाई 4 इक्वल टू 1, और फिर जब निकालना होगा एन के वैल्यू क्या करेंगे हम लोग एन वाले टर्म का इसके साथ कराएंगे, तो एन बाई 3 इक्वल टू 1, तो एम कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा 4 4 इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ऐसे, इधर क्या मिलेगा इधर मिलेगा एन इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, तो एम और एन का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। हमारा क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि हमें निकालना क्या था एक्स और वाई के वैल्यू को, हमने एम और एन की वैल्यू निकाला है, एम एन आया कहाँ से था, हम लोगों ने समथिंग लिट किया था, तो जो हमने लिट किया था उससे हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो हमने क्या लिख किया था, हमने लिख किया था 1 बाई x इक्वल टू m, तो 1 बाई x इक्वल टू m, तो 1 बाई x इक्वल टू m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू 4 है, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 1 बाई 4। ऐसे ही सॉल्व करेंगे y के लिए, हम लोग क्या लिख किया था y के लिए, तो 1 बाई y इक्वल टू n, n का वैल्यू 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 3। इस तरह से हम लोग x और y के वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर लिए, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग पिछले जब यूज करते थे एलिमिनेशन मेथड, वहां भी ऐसे ही किया करते थे, पहले इसे कुछ लिख करते थे एम एन, उसके बाद सॉल्व करने के बाद जब x और y का वैल्यू आ जाता था तो फिर उसे हम लोग जो लिट किए थे वहां से इक्वेट करके हम लोग x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। यहाँ भी सेम प्रोसेस करना, बस बीच में क्या है, वहां पे क्या लिख करते थे इस जगह पे हम लोग इसे समथिंग मल्टीप्लाई करके, इसी किसी मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल कर देते हैं और फिर एलिमिनेशन मेथड यूज कर देते हैं। यहाँ पे हम वहाँ पे करना क्या, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करके हमें सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं आज, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, 2ax+3by=a+2b, 3ax+2by=2a+b, ये तो इक्वेशन यहाँ पर दिए हुए, इसे सॉल्व करना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था और कल
पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कल सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन एक ही स्टूडेंट ने पूछा, बाकी किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा ही नहीं। तो पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही आपका टाइम लॉस होने वाला है, आपको बहुत लॉस होने वाला है इसका। तो आप लोग पढ़ाई फोकस कीजिए। आइए यहाँ पे जो चीज़ मैं आज पढ़ा रहा हूँ, आज आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लास कीजिए, 12 बजे का क्लास आता है डेली, 12 बजे क्लास कीजिए। आपके पास दिन भर का समय है, सारे क्वेश्चंस को बनाइए और जो भी डाउट्स हो तुरंत पूछिए, फिर नेक्स्ट डे आपका क्लियर हो जाएगा वो। 4 बजे साइंस की क्लास आती है, उससे अटेंड कीजिए, रात में उसे पढ़िए। फिर अगले दिन 4 बजे समय आपके पास, उससे पहले जो भी क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, ऐसे करके पढ़ाई कीजिए। अगर यहाँ पर टाइम आपका वेस्ट होता है फिर बाद में बहुत दिक्कत होने वाला आप लोगों को। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कुछ नहीं करना है, पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर क्वेश्चन पूछना है, बस। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे। ये इक्वेशन 1 है हमारा, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में लिखा है 2ax, जैसा कि हम सभी को पता है कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है और y है, वेरिएबल x है और वेरिएबल y है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हैं तो हमारा पास जो भी इक्वेशन में जो भी कुछ लिखा होता है, जितने भी टर्म्स होते हैं, सब क्या होने चाहिए, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। आइए सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम लोग इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में कैसे लाएंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये दोनों का दोनों पॉजिटिव, दोनों क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसे हम लोग निगेटिव ऐसे करके बना लेते हैं, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, क्लियर। आप लोग ऐसे मत कीजिएगा, प्रॉपर लिख करके इसे कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और फिर इक्वेशन जो भी होगा 1, 2, 3, 4 नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए करते हैं सॉल्व इसे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, हम लोग लिखते हैं वेरिएबल्स एक्स, फिर वाई और फिर लिखते हैं कॉन्स्टेंट के लिए 1। जो जब एक्स लिखते हैं क्या करते हैं लोग, एक्स को हाइड करके बाकी को लिखते हैं। तो पहले क्या आएगा, y का कॉफिशियंट क्या है, नॉट 3, 3b इज द कॉफिशियंट ऑफ y। यहाँ पे क्या है, y का कॉफिशियंट 3b है, ना कि 3 है ना कि b है, हम लोग 3b पूरा लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग 3b, फिर क्या लिखेंगे इसके नीचे में 2b, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोनों निगेटिव में है। तो ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट, इसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं है, इस पूरे को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, माइनस ए प्लस 2b, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -2a+b, माइनस ब्रैकेट के बाहर ध्यान रखना है इस बात का। फिर अब लिखना है y के लिए, तो y के लिए क्या होगा, y को हम हाइड कर देंगे, इसे पूरा हाइड कर देंगे, क्या मिलेगा x और कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट लिख चुके हैं, लिखना कैसे x लिखना है। तो x का कॉफिशियंट क्या है, x का कॉफिशियंट 2a है, ध्यान इस बात का देना है, कभी भी एक्स का कॉफिशियंट ए को नहीं छोड़ देंगे टू लिखने से, नहीं ऐसा नहीं करना है, एक्स लिख रहे हैं, एक्स का कॉफिशियंट ये पूरा का पूरा 2a पूरा का पूरा कॉफिशियंट है। तो पूरे के पूरे को लिखेंगे हम लोग, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2a और यहाँ लिखेंगे 3a। फिर सिमिलरली अब कॉन्स्टेंट पे लिखना है, तो कॉन्स्टेंट को पूरा हाइड करेंगे, बचेगा क्या हमारे पास, एक्स और वाई, जिसमें से हम लोग 2a 3a, चूंकि आया कहाँ से आया, ये आया है एक्स से आया है, तो बच सके वाई, बच गया वाई, क्या क्या है पूरा, ये है पूरा का पूरा 3b कोफिशिएंट इसका, यहाँ लिखेंगे हम लोग 3b और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे हम लोग 3b और यहाँ लिखेंगे 2b, क्लियर। ऐसे हम लोगों को पहला काम हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने कल बताया था, दो तरह का सिस्टम बताया था, एक में क्या था कि x लिख करके डिनोमिनेटर हम लिखते थे बारी बारी से, उसमें क्या होता था कि ये बार बार लिखना पड़ता था, तो आपको ये भी याद रखना वाला था कि अब ये लिख लिए हैं तो अब क्या आने वाला है। इसमें इस सिस्टम में क्या है कि एक तो आप पहले लिखे हुए हैं, जो बचा एक को तो लिखना ही नहीं, जैसे वाई लिख रहे हैं तो वाई तो हाइड कर चुके हैं हमने पहले से, और एक पहले से लिखा हुआ है, अब तो बचा क्या, जो बचा होगा वो लिख देंगे हम लोग, ठीक है। ये काफी कन्वीनियंट होता है करने के लिए। आइए करते हैं आगे, क्या हो जाएगा एक्स, अब क्या करना है, इस टर्म का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे -2a+b इनटू 3b, क्लियर दिख रहा नहीं दिख रहा, अब भी क्लियर कर देते हैं, 2a+b। अगर आप लोगों को वीडियो क्लियर नजर नहीं आए तो आप लोग अपने वीडियो की सेटिंग को
480p पे कर लीजिए, 480p इस पे कर लेंगे तो काफी क्लियर नजर आएगा। ओके, ये लिख लिया मैंने। अब क्या करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो कैसे लिखेंगे, पहले क्या है तो माइनस आएगा साइन, फिर लिखेंगे आगे 2b इंटू माइनस ए प्लस 2b, ठीक है। ये x के लिए हो गया, ऐसे लिखेंगे y के लिए। तो y में क्या आएगा, y में इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले होगा फिर इन दोनों का होगा, तो क्या लिखेंगे माइनस ए प्लस 2b इंटू 3a माइनस, अब इन दोनों का ये क्या हो जाएगा 2a इंटू माइनस 2a प्लस b, तो माइनस 2a प्लस b। अब बच गया कॉन्स्टेंट के लिए, तो कॉन्स्टेंट के लिए क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले कराएंगे फिर इन दोनों कराएंगे, 2a और 2b का मल्टीप्लाई पहले होगा तो 2a इंटू 2b माइनस 3a इंटू 3b, यहाँ लिख रहे 3a इंटू 3b, क्लियर। तब क्लियर है, आगे देखते हैं कैसे कैसे करना। कुछ नहीं करना, बस सभी को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसे करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे आगे तक। तो x बाई क्या आने वाला, जब 3b का मल्टीप्लाई करेंगे इससे क्या होगा, पहले तो निगेटिव आएगा माइनस 3 इंटू 2 6 ए बी, तो ए इंटू बी, ठीक है। फिर इसमें भी निगेटिव आएगा तो 3b स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये माइनस पहले से, अब यहां देखना क्या ये माइनस है यहां भी माइनस है, एक काम करते हैं इसे हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं, काफी क्लियर दिखेगा। ओके, यहाँ भी माइनस है यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस क्या मिलेगा 2b इंटू ए, तो 2ab, फिर यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 2 इंटू 2 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, क्लियर। अब सेम काम करेंगे y के साथ भी लोग, जब y के साथ क्या मिलेगा, पहले 3a का मल्टीप्लाई होगा, ये निगेटिव है सभी निगेटिव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2 6ab, अब ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या मिलेगा 2 इंटू 2 4a स्क्वायर प्लस 2ab, इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा 2 इंटू 2 4ab, 3 इंटू 3 9ab, क्लियर। इतना हमें यहाँ पे मिल चुका है, आगे करते हैं इसे हम लोग सॉल्व, बस कुछ नहीं करना सॉल्व करते हैं, देखने में बस ये बड़ा होता है, ए आएगा बी आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तो बस इसे कुछ नहीं करना, आगे बस सॉल्व करते जाना है, होता कुछ नहीं, सब कुछ सेम होता है जैसे सभी क्वेश्चन में होता है, बस आपको जब यहाँ पे नंबर्स नहीं मिलते हैं कुछ ए बी वगैरह मिले तो आपको लगता है कि सॉल्व कैसे होगा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा बड़ा जाता है लंबा जाता है, अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो क्या करते हैं उसे मल्टीप्लाई 2 × 5 से थोड़ा सा मटेरियल आता है, यहाँ पे क्या ए प्लस 2b थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन आपको स्पेसिफिक आपको कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट करते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए आइए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोग, यहाँ पे 4b² यहाँ 3b², जब 4b² में से 3b² माइनस का क्या बचेगा b², यहाँ पे माइनस 6 है यहाँ पे प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस 4ab, ठीक है। फिर लिखेंगे y के लिए, y में क्या होगा 4a² माइनस 3a², ये हो जाएगा a², और इधर 6a है नेगेटिव, इधर 2 है और ये हो जाएगा माइनस 4ab। फिर लिखेंगे कॉन्स्टेंट के लिए, तो 4ab माइनस 9ab तो माइनस 5ab, ये क्या हो जाएगा माइनस 5ab, बिल्कुल क्लियर है, कुछ नहीं किए बस सॉल्व कर लिए, 4b में से इसे माइनस किए 3² में से, फिर इसे इससे माइनस किए इससे, सभी में कर लिए। और अब आगे करते हैं, अब क्या करना होता है, अब ये करना होता है कि हम लोग x वाले टर्म को पूरे के पूरे को कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वेट करते हैं, तो ये कर लेते हैं इसे भी हम लोग,
एक्स वाई बी स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू 1 बाई माइनस 5ab। हमें ध्यान ये रखना है कि फाइंड आउट करना है क्या, एक्स को फाइंड आउट करना है। यहां से क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर माइनस 4ab, बी स्क्वायर माइनस 4ab बाई माइनस 5ab। हमारे पास एक्स का वैल्यू आ चुका है। अब ऐसे ही हम लोग वाई के वैल्यू को भी यहाँ से इक्वल करके फाइंड आउट कर लेंगे। और एक और चीज़, यहाँ से क्या लिखा है, दोनों में बी है कॉमन, ये तो नहीं है बी दोनों में कॉमन, तो बी को हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल करके एलिमिनेट कर सकते हैं। आइए कर लेते हैं, बी अगर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा बी माइनस 4a बाई माइनस 5ab, इस बी से बी कैंसिल हो जाएगा। जब ये निगेटिव साइन न्यूमरेटर में जाएगा क्या करेगा, इस बी को बना देगा निगेटिव, इसे कर देगा पॉजिटिव। क्या लिखेंगे हम लोग, 4a माइनस बी बाई 5a। ये रहा एक्स का वैल्यू। ऐसे ही हम लोग अब वाई के वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई ये रहा वाई बाई ए स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट टर्म, 1 बाई माइनस 5ab। तो क्या होगा, ये जाएगा न्यूमरेटर में, इसमें से भी ए दिख रहा है हमें कॉमन, ए कॉमन निकालेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे ए, ए कॉमन निकालेंगे तो बचेगा इसमें ए, इसमें बचेगा 4b, और न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, माइनस 5ab। इस ए से ये कैंसिल हो जाएगा, और जब ये निगेटिव साइन न्यूमरेटर में जाएगा क्या करेगा, इस 4b को बना देगा पॉजिटिव और ए हो जाएगा निगेटिव। तो क्या आ जाएगा, 4b माइनस ए बाई 5b। इस तरह से हमारे पास x और y दोनों का वैल्यू आ चुका है। ये रहा x का वैल्यू और ये है y का वैल्यू। तो करना कुछ नहीं होता, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको घबराना नहीं है, देखना देख के क्वेश्चन लगता है बड़ा सा क्वेश्चन है कैसे बनेगा, तो बस जैसे हम लोगों ने सीखा है वैसे ही सॉल्व करते जाएंगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो और क्वेश्चन है हमारे पास, निकलते हैं सामने। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 2 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 15 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 7 बाई एक्स माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा आपने देखा होगा वीडियोस, तो उसमें हम लोगों ने पिछले 2-3 वीडियो पहले या फिर किसी वीडियो में हम लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था। ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था, और ऐसा ही क्वेश्चन अब हमें किससे करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सब कुछ सही सही लिखा हुआ है, सारे का सारे टर्म्स जो है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। तो याद अगर आपको होगा, तो जब ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था, तो क्या किया था, डिनोमिनेटर में जो भी था, जो भी डिनोमिनेटर में था वेरिएबल, सभी को हम लोगों ने लेट किया था कुछ इस तरह से, लेट 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू m एंड 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू m, ऐसा लेट किया था। तो हम लोग यहाँ भी ऐसे ही लेट करेंगे, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब डिलीट करेंगे क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 5m माइनस 2n प्लस 1 इक्वल टू 0। इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा 15m प्लस 7n माइनस 10 इक्वल टू 0। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, फिलहाल हम लोगों को इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 पे ही फोकस करना है, इन दोनों पे ही फोकस करना है, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में वैसे ही करना है। क्या लिखते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं वेरिएबल m, फिर लिखते हैं वेरिएबल n, फिर लिखते हैं कॉन्स्टेंट के लिए 1, फिर लिखते हैं, जब m लिखते हैं तो m के टर्म को हाइड करके लिखते हैं इसे, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 7, फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 1, यहाँ लिखेंगे 10, फिर जब n के लिखेंगे तो क्या होगा, n हाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, ये दोनों m का कॉफिशियंट और कॉन्स्टेंट टर्म, जिसमें से हम लोग 1 10 लिख चुके हैं, वो है किसका, 1, सॉरी ये -10 है, 1 -10 लिख चुके हैं, ये है किसका, ये कांस्टेंट का, तो बच करके बच गया हमारा m का कॉफिशिएंट, लिखेंगे 5
और यहाँ लिखेंगे 15। फिर लिखना है कॉन्स्टेंट के लिए, तो कॉन्स्टेंट को हाइड कर देंगे, क्या मिलेगा एम और एन जिसमें से एक लिख चुके हैं, तो लिखे क्या है हम लोग 5 2, ये है किसका, ये एम का है, तो क्या हमारे पास बचा -2 और 7, ये हम लोगों ने लिख लिया। आगे इसे सॉल्व करना है, तो क्या करते हैं हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं, कैसे कराते हैं -2 × -10, फिर क्या करते हैं, फिर करते हैं हम लोग माइनस का साइन, 7 × 1 इक्वल टू एन डिवाइड बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 × 15 माइनस फिर क्या है -10 × 5, फिर ये करते हैं कॉन्स्टेंट लिखते हैं 1 और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 × 7 और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन आएगा, फिर क्या आएगा 15 × -2, ये हम लोगों ने लिख लिया। आगे करते हैं, ठीक है, अब बस इसे सॉल्व करना है, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा -2 × -10 प्लस हो जाएगा 2 × 10 20, फिर ये -7 × 1 7, फिर लिखेंगे n के लिए 15 × 1 15, माइनस माइनस प्लस 10 × 5 50 इक्वल टू 1/7 × 5 35, माइनस माइनस प्लस 15 × 2 30, इस तरह से हमारा इक्वेशन सॉल्व होता हुआ आगे बढ़ रहा है। 20 20 - 7 ये आ जाएगा 13, ये हो जाएगा n/51 65 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू है 1/65, इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब क्या करना है, अब जो करते थे हम लोग m के टर्म को इससे करेंगे कांस्टेंट से वही इक्वेट, फिर n के टर्म को करेंगे, करते हैं फटाफट, क्या हो जाएगा m/13 = 1/65, n/65 = 1/65, यहां से क्या होगा, यहां से कुछ ऐसा होगा कि 13 जाएगा इधर, या फिर यहां भी कह सकते 13 5 65 65 × 1, तो n क्या मिल गया, n मिल गया 1/5 और n क्या मिला, हमें मिला 1, और m और n आया कहां से था, तो हम लोगों ने कुछ लेट किया था, जो हम लोगों ने लेट किया था उससे हम लोग अब यहां पे यूज कर लेंगे, क्या लेट किया था, लेट ये किया था 1/x + y = m, तो m है क्या, m है 1/5, यहां से सॉल्व करें क्या मिलेगा x + y = 5, ये जाएगा इधर, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के, फिर क्या मिलेगा इधर, इधर मिलेगा हमें n के लिए 1/x - y = n था, तो n है क्या, n है 1, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा x - y = 1, इस तरह से हम फिर से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दो बार आ चुका है, मतलब फिर से आ चुका है x + y = this, तो 1 2 3 4 हो चुका है, इसे कर देंगे इक्वेशन नंबर हम लोग क्या 5 और इसे कर देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 6। अब फोकस किस पे करना है, फिलहाल फोकस करना है इस पे और इस पे, चाहे तो हम लोग यहाँ पे एलिमेंट से यूज कर सकते थे, एक बार यूज करते दोनों को ऐड करते y मेरा एलिमेंट हुआ था x का वैल्यू फाइंड, लेकिन यहाँ पे करना कैसे है, हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो इसे भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से ही करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे पहले एक x आएगा, फिर y आएगा, फिर कॉन्स्टेंट आएगा, जब x लिख रहे होंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि जो भी सारा का सारा टर्म्स क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, तो चाहे तो सब लोग कर सकते हैं, कैसे कर लें, तो इसे मैं 5 था राइट हैंड साइड में, जैसे वो ट्रांसफर होकर आएगा लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 = 0, सिमिलरली इसे करें क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -1 = 0 -1 = 0, ठीक है, तो आइए करते हैं, तो x का लिख रहे तो x को हाइड कर देंगे, y के लिखेंगे तो y का हमारे पास 1 है, इसमें इसमें है -1, इधर है -5 और इधर क्या है -1, फिर y के लिख रहे हैं y हाइड हो जाएगा, 5 और 1 लिख चुके हैं, तो क्या बचा, इसका x का 1 और इसका x का 1,
और फिर वन वन लिख चुके हैं हम लोग कॉन्स्टेंट में, तो वन वन लिख चुके हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, वाई का बचेगा, वाई का क्या है, वन और माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा वन और माइनस वन। बस अब इसे सॉल्व करना, सॉल्व करके क्या मिलेगा, एक्स बाई वन इंटू माइनस वन, डायरेक्टली करें वन इंटू माइनस वन माइनस वन, फिर क्या आएगा, निगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव साइन, माइनस माइनस प्लस, फाइव इंटू वन फाइव, फिर वाई के लिए इन दोनों का माइनस फाइव इंटू वन, ये हो जाएगा माइनस फाइव, फिर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन, माइनस वन इंटू वन माइनस वन, तो माइनस वन आएगा और माइनस माइनस पहले से, तो माइनस में हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा वन। फिर अब लिखेंगे यहाँ पे वन लिखेंगे, इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, वन इंटू माइनस वन माइनस वन, इन दोनों करेंगे तो माइनस वन, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर लिख रहे हैं, ये आ जाएगा एक्स बाई माइनस सिक्स इक्वल टू वाई बाई माइनस फाइव प्लस वन माइनस फोर, और कॉन्स्टेंट वन बाई माइनस वन माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस टू। फिर से क्या करेंगे हम लोग, फिर से एक्स का जो टर्म है इसे कॉन्स्टेंट के साथ करेंगे इक्वेट, और वाई को भी कॉन्स्टेंट के साथ इक्वेट करेंगे, तो कहाँ करें हम लोग, यहीं पे करते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स बाई माइनस सिक्स इक्वल टू वन बाई माइनस टू, ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल, टू से हो जाएगा ये थ्री टाइम्स, तो एक्स आ जाएगा थ्री, एक्स क्या आ जाएगा थ्री, ये थ्री न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री इंटू वन, तो थ्री आ जाएगा, ठीक है। आप लोग करके लिखिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का कमी है, ठीक है। अब करेंगे वाई का, तो वाई का काम करें, अगर यहाँ पे यहीं पे करते सामने में, वाई बाई माइनस फोर इक्वल टू वन बाई माइनस टू, बस इस पे फोकस करना है, इन को फोकस करना फिलहाल, ठीक है। तो क्या होगा, ये पहले नेगेटिव से ही क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव, दोनों कैंसिल हो जाएगा, टू वन या टू, टू टू या फोर, ये टू कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, वन से मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू टू। इस तरह से हम लोग एक्स और वाई के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, तो घबराना नहीं है क्वेश्चन देख करके, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे जो प्रोसेस हमारा था बस उसे ही यूज करना है। सबसे पहले हम लोगों ने लेट किया, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन को लिखा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन उसे यूज किया, सॉल्व करते करते क्या मिला, एम और एन का वैल्यू मिल गया। फिर हम लोगों ने जो भी लेट किया था वहां से हम लोग एम और एन की वैल्यू को पुट करके एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की वैल्यू को फाइंड किया, फिर क्या हुआ, हमारा दो इक्वेशन फिर से बन गया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पेयर बन गया, फिर उस पेयर को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स जैसे करते हैं सॉल्व करते करते एक्स और वाई की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। तो ऐसे ही आप लोगों को भी सॉल्व करना है ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो, ओके। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा है कि ए बाई एक्स माइनस बी वाई वाई इक्वल टू जीरो, ए बी स्क्वायर बाई एक्स प्लस ए स्क्वायर बी बाई वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आइए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ भी क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ दोनों ही क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो भी हमारा वेरिएबल है एक्स और वाई वेरिएबल है, ये पहले बता दे रहे हैं, एक्स और वाई ही हमारा यहाँ वेरिएबल है, और दोनों कहाँ कहाँ है, दोनों डिनोमिनेटर में है, तो पहला काम क्या होगा हमारा, उसे लेट करना, तो आइए लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं हम लोग, वन बाई एक्स इक्वल टू एम, वन बाई वाई इक्वल टू एन, लेट कर लिए। लेट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, इस इक्वेशन को लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एम माइनस बी एन इक्वल टू जीरो, जीरो को ले आए क्या हो जाएगा, माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है। फिर इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस इक्वेशन को ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर एम प्लस ए स्क्वायर बी एन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन मिल चुका है, ये हो गया इक्वेशन वन, ये हो गया इक्वेशन टू। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जैसे करते आए हैं ध्यान रखना है वही यूज करना है, और उसी पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या होता है, लिखते हैं एम, फिर लिखेंगे एन, फिर लिखेंगे कॉन्स्टेंट के लिए वन,
एम एन और कॉन्स्टेंट वन लिख चुके हैं। क्या करना है एम के लिए, एम को हर करेंगे, सब आपको पता ही है पहले से, वैसे ही करना है। यहाँ भी है, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा माइनस बी, यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर बी, इधर मिलेगा जीरो, इधर क्या मिलेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसे करेंगे, इसे ऐड करना पड़ेगा, ये दोनों लिख चुके हैं, लिखना जाएगा ए और यहाँ लिखेंगे ए बी स्क्वायर। फिर कॉन्स्टेंट क्या लिख रहे हैं, तो कॉन्स्टेंट में क्या हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट को हम लोग हाइड करेंगे, बाकी को लिखेंगे, ये लिख चुके हैं ए ए बी स्क्वायर। क्या हमारे पास रिमेनिंग है, हमारे पास रिमेनिंग है माइनस बी और ए स्क्वायर बी। इस तरह से हम लोगों ने इसे लिख लिया है, बस आगे हमें सॉल्व करना है, हमारा रिजल्ट जो है ऑटोमेटिकली सब मिलते जाएगा। पहले इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, ये है माइनस बी, ये क्या हो जाएगा माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं जीरो, ठीक है। फिर क्या आएगा एन, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये मिल जाएगा, जीरो आ जाएगा। और जब इन दोनों करेंगे क्या, माइनस है यहाँ पे पहले से माइनस आएगा, ए इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा। फिर वन बाई कॉन्स्टेंट क्या, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा हमें, मिलेगा ए इंटू ए स्क्वायर बी, फिर इन दोनों का होगा माइनस माइनस बी इंटू ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, जैसे करते हैं हम लोग हमेशा वैसे ही करेंगे सॉल्व, तो देखते हैं पहले हैं सॉल्व मिलकर होता क्या है। ये आएगा क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी, फिर मिलेगा एन बाई, ये निगेटिव है और ये निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए, और इधर क्या मिलेगा, इधर तो हो जाएगा, अगर हम देखें यहाँ से तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ए क्यूब बी और ये हो रहा है ए बी क्यूब, और दोनों में क्या देख रहे हैं, दोनों में ए जो है ए और बी कॉमन है, तो ए और बी को कॉमन भी निकाल सकते हम लोग। अब क्या करेंगे, इसमें से इस पूरे टर्म में दो बी है और एक ए है, तो एक ए कॉमन निकालेंगे। इस टर्म में क्या है, दो तीन ए है और एक बी है, तो एक कॉमन निकालेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे वन बाई ए बी कॉमन, जब ए बी कॉमन निकल जाएगा, एक ए और एक बी कॉमन निकल गया, क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे हम लोग ए स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर इसमें से ए बी निकालेंगे, मतलब ये ए निकालिए और ये बी निकालिए, क्या मिला बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हो चुका है। अब क्या करना होता है, एम को इक्वल कर देंगे कॉन्स्टेंट के साथ, फिर एन को कर देंगे इक्वल कॉन्स्टेंट के साथ, एम एन की वैल्यू निकल जाएगी, क्या लिखेंगे एम बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी इक्वल टू वन बाई ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे ही ऐसा करेंगे क्या होगा, ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बी कैंसिल हो जाएगा, और मिलेगा क्या, मिलेगा हमें एम इक्वल टू वन बाई ए, क्या मिलेगा एम इक्वल टू वन बाई ए, ठीक है। फिर यही काम करेंगे एन के साथ, तो क्या होगा एन बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू वन बाई ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर क्या होगा, फिर ये दोनों में है कैंसल आउट, ए और ए कैंसल आउट, तो एन क्या मिलेगा, एन मिलेगा वन बाई बी। यहां से क्या हुआ, एम और एन की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या करना होगा, हम लोगों ने कुछ नेट किया था उसे भी देखना होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या नेट किया गया था, वन बाई एक्स इक्वल टू एम, तो
लिख लेंगे 1 बाई एक्स इक्वल टू एम, एम क्या है, एम इक्वल टू 1 बाई ए, लिख लेंगे 1 बाई ए। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू ए, ये इधर एक्स इक्वल टू ए। फिर ऑल्टरनेट किया था 1 बाई वाई इक्वल टू एन, तो एन क्या आया है, एन आया है 1 बाई बी, यहाँ लिखेंगे 1 बाई बी। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मिल जाएगा वाई इक्वल टू बी। इस तरह से एक्स का वैल्यू ए और वाई का वैल्यू बी हमें मिल गया। तो ऐसे ही हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बस थोड़ा सा प्लस माइनस मल्टीप्लाई सबका ध्यान रखना होता है, प्रोसेस हमारा बिल्कुल सेम होता है। तो ऐसे ही आप लोगों को एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है, इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे भी जितने भी एक्सरसाइज है सभी एक्सरसाइज को आप सॉल्व कीजिए, और जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है सॉल्व करने में वो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे, आपके सॉलिड सारे जो भी प्रॉब्लम है सभी को सॉल्व कर देंगे। और पिछले एक्सरसाइज अगर आपने सॉल्व नहीं किए हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर और भी ग्राफिकल मेथड, पॉलीनोमियल्स, सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए, सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जाकर देखिए सभी कंप्लीट कीजिए, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, जो भी थोड़ी दिक्कत हो क्वेश्चन पूछिए, और अपने स्टडी को आगे बढ़ाइए। लॉकडाउन में काफ़ी अच्छा समय है पढ़ाई करने का, अगर पढ़ाई नहीं किए तो बाद में ये सोचिएगा काश लॉकडाउन में हमने पढ़ाई किया होता, तो ये मौका नहीं आना चाहिए, हमें अच्छे से पढ़ाई करना है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आगे पढ़ेंगे, तब तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक तो कर लीजिएगा।